हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि सर आप अपना स्टूडियो हमें दिखाएं, जहां से आप हमारी क्लासेस लाइव लेते हैं, जहां से आप मोटिवेशनल सेशंस जो है रिकॉर्ड करते हैं। सो आज समय है माय डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा मन हुआ कि आप सभी को मैं अपना स्टूडियो दिखाऊं। जो मेहनत की है उसको देखकर आप लोगों को भी कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर मिलेगा कि आप लोग भी लाइफ में संघर्ष करें, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स संघर्ष के बाद जब मंजिल मिलती है ना, तो उसका सुकून कुछ और ही होता है। सो कुछ फुर्सत के लम्हे निकालकर आप सबके लिए एक प्यारी सी वीडियो जो है मैंने रिकॉर्ड की है। चलिए देखते हैं मेरा स्टूडियो जो मैंने घर पे ही सेटअप बनाया हुआ है। और प्लीज आप सबसे भी रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सो प्लीज घर से बाहर ना जाएं। जैसे अभी जो स्टूडियो मैंने घर पे बनाया था, ये तब मैंने स्टूडियो बनाया था जब लास्ट 2020 में कोरोना आया था, तो घर का स्टूडियो तब तैयार किया था। बट इस एक साल में इस स्टूडियो में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और मैंने एक नया स्टूडियो अपने घर पे जो है बनाया है अपने लिए। सो स्टूडियो को प्लीज़ देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा सारी चीज़ें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरकार कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं मुझे आप लोगों के रूबरू आने के लिए? बहुत सी चीज़ें का साथ है, बहुत से लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है जो आपसे ये मुलाकात इतने प्यारे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से हो पाती है। सो चलिए दर्शन करते हैं आज उन सभी प्यारी चीज़ों की। सो माँ सरस्वती का एक बार सभी नाम लें, क्योंकि वो ज्ञान की देवी हमारे साथ है, सो हम में ज्ञान है। सो माँ सरस्वती आप सभी को बेहद जल्द आपकी लाइफ में सफल करें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्टूडियो को देखना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्क्रीन से। ये साथी जो हमारी क्लासेस का सबसे अहम हिस्सा है, इसने हमारी क्लासेस को बहुत आसान किया है, वो कैम में बहुत हेल्पफुल की है, तो थैंक यू सो मच हम स्क्रीन को बोलेंगे। और जो है ये बहुत बड़ी स्क्रीन जो है लगवाई हुई है, ये 86 इंचेस की है करीब करीब, आपको जो दिखाई दे रही होगी इसमें। सो 86 इंचेस प्लस की करीब ये स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ क्लासेस के लिए यूज़ की जा सकती है, एक पीसी की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं वो कैप क्लासेस में जो है, आप किसी भी तरीके का डिज़ाइन इस पर जो है चला सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स चला सकते हैं, बहुत टेक्निकल यूज़ हैं इसके। होम थिएटर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एंटरटेनमेंट पर्पज़ भी आपके लिए काम करती है, बड़ी स्क्रीन है ये काफ़ी। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही तो भाई वहाँ ये साथ छोड़ देती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। और दिल्ली में ऐसी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती नहीं है, तो हम लोग मैक्सिमम जो इन्वर्टर रखते हैं वो डबल बैटरी का रखते हैं, बट उस पे भाई साहब इनका बैकअप उठाने का है सिर्फ 15 से 20 मिनट। इसीलिए इसके लिए सपोर्ट के लिए हमारा पुराना साथी ये रहा, हमारा पुराना साथी व्हाइट बोर्ड। अगर कभी कभी ऐसा होता है इमरजेंसी में अगर लाइट चली गई, तो मेरे बच्चे जानते हैं कई बार मैं ऐसा भी करता हूँ कि दोबारा व्हाइट बोर्ड पर आपकी क्लासेस जो है ले लेता हूँ। और ये व्हाइट बोर्ड भी बहुत ही प्यारा और लाजवाब है, ये एक्चुअली स्टोन का है, आप इसकी फिनिशिंग देखेंगे बहुत बेहतरीन है, ये स्टोन का है एग्जैक्टली, व्हाइट स्टोन से कुछ मिक्स करके बनाया जाता है। ज़्यादा टेक्निकल तो मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि मेरा बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा साथी है, जिससे क्लासेस स्टार्ट की थी हम लोगों ने, स्क्रीन बाद में आई है तो स्टूडियो में ये चीज़ है। तो हमारा पुराना मेहमान ये है और अभी भी इसका साथ यही देता है। वो कहते हैं ना मेरे दोस्त कि नए आ जाने से पुराने दोस्त भूले नहीं जाते, ये बहुत सारी यादें मेरी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और जो है उसके बाद स्क्रीन आई, जिसने हमारा काम थोड़ा वोकैब वगैरह बहुत सारी चीज़ों में आसान कर दिया। सो यहाँ तक हमारी स्टार्टिंग थी, अब लेके चलता हूँ आपको आगे क्या है। अब जैसे ही आप स्क्रीन से इस साइड जाएंगे, यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा वॉलपेपर। अगर मुझे कोई वीडियो आप लोगों के लिए बनानी है तो बैकग्राउंड वॉलपेपर के लिए जयदीप सिंह बैकग्राउंड के साथ ये वॉलपेपर रेडी कराया गया है। और डियर जैसे ही आप इससे ऊपर जाएंगे, वॉलपेपर से ऊपर आपको दिखाई दे रही है एक क्लॉक। दोस्तों ये क्लॉक सिर्फ समय नहीं बताती, ये भी बताती है कि अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो ये समय आपको कॉम्पिटिशन से बाहर बदल देगा। सो अगर आपको कंपटीशन में बरकरार रहना है, सो समय के साथ बदलना सीखो। जो समय के साथ बदला है उसी ने इतिहास रचा है। चलिए अब देखते हैं आगे स्टूडियो में हमारे पास क्या है। अब माय डियर स्टूडेंट्स मुलाकात करते हैं एक और स्क्रीन से।
ये जो एलईडी दिखाई दे रही है आपको, ये भी बड़ी है, और टोटल अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कमेंट्स के लिए है, ताकि कमेंट्स बड़ी स्क्रीन पे नजर आए और किसी बच्चे की कमेंट्स छूटने के चांसेस जो है वो बेहद ही कम हो जाए। और आप अगर देखेंगे स्क्रीन की लोकेशन क्या है, ये जो बड़ी स्क्रीन मैंने दिखाई थी आपको, जो भी मैंने ऑन भी की हुई है, इसके ही साइड में व्हाइट बोर्ड और उसके साइड में आपको ये स्क्रीन नजर आती है, ताकि मेरी नजर एकदम आपकी कमेंट्स पे रहे पढ़ाते टाइम। दूसरा, जैसे ही आप इससे नीचे आते हैं आपको मुलाकात होती है हमारे पीसी से, ये पीसी है जो आपकी क्लास ऑपरेट करता है। फिर आपको दो स्क्रीन और नजर आ जाएंगी यहाँ, ये जो डेल की स्क्रीन है डियर, ये पीसी की स्क्रीन है, मेन स्क्रीन जिसमें आपकी पीसी की स्क्रीन दिखाई देती है जिससे पीसी ऑपरेट होता है। और यहाँ आप साइड में जो सैमसंग देख रहे हैं, ये एलईडी जो है ये काम आती है, जो लाइव कैमरा आपके पास वीडियो सेंड कर रहा है वो इसमें दिखाई देती है, प्लस कनेक्शन की लाइव कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइव कनेक्शन में क्लासेज एकदम अच्छे से चल रही है नहीं चल रही है, तो कैमरे की स्क्रीन इसमें दिखाई देती है बेसिकली। सो दो स्क्रीन ये हैं, और एक स्क्रीन ऊपर है और एक ये मैंने बड़ी स्क्रीन आपको दिखाई जो 86 इंच वाली मैं कह रहा था, मेन स्क्रीन जो है हमारी वो यहाँ पर है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडियो में चार टोटल स्क्रीन दिखाई देंगे, जिनका अलग अलग अपना अपना बहुत अहम फंक्शन है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मुलाकात करते हैं हमारे एक और न्यू मेंबर से। ये कैमरा है, और भाई साहब अगर इनसे बातचीत नहीं की तो ये तो बुरा मानने वाले हैं। सो ये कैमरा है जो सबसे अहम है क्लासेस को लाइव करने के लिए। आपको बेसिकली दिखाई यहाँ पर दो कैमरे दे रहे होंगे, एक ये है सोनी का और दो पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो है कैनन का। दोनों का यूज अलग अलग है। ये जो कैमरा है ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो के लिए फिक्स किया गया है। ये बैटरी से भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, दोनों से। तो इससे आपकी होती है क्लासेज लाइव। तो सर आपने वो दूसरा कैमरा क्यों लिया हुआ है? ये जो कैमरा है डियर, ये मुझे जब मोटिवेशनल वीडियोज बनानी होती है, ठीक है, तो इसको मूव करना पड़ता है, तो ये उसके लिए। दूसरा, अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ यहाँ नहीं बाहर, अगर मैं यहाँ नहीं कहीं बाहर वीडियो बनाना चाहता हूँ और अच्छी पिक्स आप लोगों के लिए लेना चाहता हूँ, तो ये कैमरा यूज़ होता है। तो आप इसको स्टैंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको साथ भी कैरी कर सकते हैं, बट ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता, ये सिर्फ और सिर्फ बैटरी से ऑपरेट किया जाता है। दूसरी बात, अगर इसकी और उस कैमरे की बात करता हूँ तो इन दोनों के माइक जो हैं वो अलग अलग हैं। चलो माइक भी मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, रखे हुए हैं। अगर आप माइक देखेंगे तो इधर आपको एक माइक नजर आ रहा है। इस माइक की अगर मैं बात करता हूँ तो ये माइक जो है ये कैनन कैमरा के लिए है। अगर बातचीत करते हैं हम इधर बाजू में रखे हुए, तो ये जो माइक है ये स्टूडियो कैमरा के लिए। सो ये दो अलग अलग माइक हैं इनके। इसमें जो कैनन में जो लगता है वो बैटरी से सिर्फ ऑपरेट किया जाता है, ये जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी से ये जो है ऑपरेट किया जाता है। इसमें यहाँ पर सेल डलते हैं, और अगर बातचीत करें तो इसका मेन एक सेटअप बॉक्स होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। तो ये दो माइक हैं डियर जो इनके अलग अलग हैं, ठीक है। ये प्यारी सी स्टडी टेबल है, ये वाटर बॉटल है, और स्टडी टेबल पे भी है आपके पास बहुत कुछ दिखाने का, तो मैं दिखाता हूँ डियर। ये मेरा पर्सनल जो है लैपटॉप आप बोलो, ये पर्सनल है, ये फ़ोन मेरा पर्सनल फ़ोन है। ये दो एक्चुअली मैं नंबर कैरी करता हूँ, एक नंबर जो मैंने आपको दिया हुआ है डियर, एक वो नंबर है जो 9991431165 है। आपके कोई भी एग्ज़ाम होता है तो मुझे आपको पता है एग्ज़ाम के तुरंत बाद में जो है आपको सॉल्यूशंस कराता हूँ उनके डिस्कशन, तो वो सेंड करते हैं क्वेश्चंस वहाँ पे स्टूडेंट्स, तो उनके लिए जो ये फ़ोन रखा हुआ है। दूसरे वाला जो हमारे पास है ये मेरा पर्सनल है, ठीक है जी। चलो बातचीत करते हैं आगे। अब आपको एक दो यहाँ पर बेसिकली लैपटॉप नज़र आ रहे हैं, एक तो ये लैपटॉप है जो आपको नजर आ रहा है एप्पल का है, ये पर्सनल है, ये फोन अलग हो गया। ये एक डेल का लैपटॉप है जिसमें मैं पीडीएफ्स वगैरह रेडी करता हूँ, तो ये उस पर्पस के लिए है। तो ये ऑफिशियल पर्पस के लिए रखा हुआ है, ये मैंने पर्सनल पर्पस के लिए रखा हुआ है। सो उधर आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा मेरा स्पीकर नजर आएगा, ठीक है। मैं म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक रखता हूँ, तो उसके लिए ठीक है एक आपको होम थिएटर से भी कभी कभी मुलाकात कराऊंगा मैं किसी दिन, होम थिएटर से जो बनाया हुआ है। तो म्यूजिक का मुझे बहुत ज्यादा शौक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो हर एप्पल है, आपकी भी कोई ना कोई शौक जरूर होंगे, जैसे कईयों को मूवी देखने का होता है, कईयों को घूमने का होता है, तो मुझे घूमना और म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए जो है मैंने होम थिएटर भी बनाया हुआ है, वो भी कभी आपको दिखाऊंगा। सो अब मुलाकात करते हैं आगे की कहानी में, आगे क्या है। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस साइड से मिल लेते हैं। ये एसी है स्टूडियो का, जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टूडियो की लाइटिंग है बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है,
और ये ऊपर सीसी के ऊपर मेरी पिक आपको नजर आ रही होगी जो मुझे बेहद ही पसंद है, तो ये पिक मैंने उसके ऊपर लगवाई हुई है। और इधर आप देखेंगे ये गेम, इसे मैं खेलता भी हूँ और मुझे ये बार बार याद दिलाता है कि अगर आपको अपना एम अपनी लाइफ में अचीव करना है तो मेहनत करनी होगी मेरे दोस्त। वो कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। सो इधर वुडन वर्क कराया हुआ है इनके पीछे मैंने, ठीक है, जो अच्छा लगता है। इधर आप देखेंगे आपको कर्टेन्स नजर आएंगे, पीछे स्टडी टेबल वगैरह से आप मिल ही चुके हैं भाई साहब, ठीक है। अब देखते हैं अगला भी कुछ बाकी है क्या स्टूडियो। अब ये व्यू देख लेते हैं इस कैमरे के, जैसे ही आप पीछे देखेंगे जो स्टडी टेबल मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये चेयर है मेरी, ये स्टडी टेबल जो मैंने दिखाई। तो इधर भी एक व्यू है, एक वॉलपेपर मैंने लगवाया हुआ है, आप गौर कीजिएगा ऊपर, ये वॉलपेपर है और साइड में आपको इंग्लिश बाय जयदीप सिंह नजर आ रही होंगी, ये वॉलपेपर है। और जो आप इधर देख रहे हैं ये स्टूडियो की बेसिकली एंट्री है। सो इससे इस साइड आप देखेंगे तो इधर भी मैंने जो है वुडन वर्क कराया हुआ है और इसका कलर जो है वार्डरोब से मैच करता हुआ है। और इसमें है जो है कपड़े, आपकी क्लासेस के शूट करने के मोटिवेशनल वीडियोस के। वो अगर आप इस मेन स्क्रीन से नीचे आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको दिखाई देगा पोडियम। और बेसिकली ये भी एक अहम मेंबर मेरे स्टूडियो का है, क्योंकि अगर आपको इतने नंबर ऑफ आवर्स स्टैंड करके पढ़ाना है तो मेरा साथी है ये, मैं कहूँगा, जो पैरों में दर्द के एहसास को कम करता है। और आप इस पोडियम के बाजू में देखेंगे तो आपको लाइट नज़र आएगी, ये लाइट है रिफ्लेक्शन रोकने के लिए बेसिकली स्क्रीन पर, जो रिफ्लेक्शन आते हैं ऊपर लाइटिंग का। सो ये है जो ऊपर मैंने आपको दिखाई थी लाइटिंग, सो इसका रिफ्लेक्शन बेसिकली रोकने के लिए नीचे भी एक लाइट है। तो स्टूडियो है तो एक्चुअल वही है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा है सो इसलिए एसी की रिक्वायरमेंट बहुत पड़ती है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो बेसिकली ये मेरा पोडियम, मेरा साथी। और पोडियम के साइड में अगर मैं बात करूँ तो हमारे लास्ट मेंबर स्टूडियो के ये हैं भाई साहब, और इनके बारे में जिक्र थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा कि ये किस इस्तेमाल में आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा स्टूडियो का वो लास्ट हिस्सा जिसका इस्तेमाल मैं सबसे कम करता हूँ, क्योंकि सोफा सिर्फ और सिर्फ आराम करने के लिए काम में आता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना आराम हराम है। अपनी लाइफ में कभी भी आराम करना मत सीखना, ये लाइफ संघर्ष का दूसरा नाम है। संघर्ष करते रहो, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। और यही मैं सदैव आपके लिए बोलता हूं कि जब आपको एक जॉब मिल जाए तो और उससे अच्छी जॉब की तलाश में निकल पड़ो। लाइफ ठहराव नहीं मांगती, इस बात को आप याद रखें। अगर आप कहीं किसी भी मंजिल को पाके रुक जाते हैं तो वो परमपिता परमात्मा बुरा मानता है। वो कहता है, अरे पगले, मैंने तुझे कुछ और ही सोच के बनाया था, तेरी किस्मत में मैंने कुछ और ही लिख रखा है। और इस छोटी सी मंजिल को पाके कहता है, अब मैं आराम कर लूं थोड़ा। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, आराम हराम है। तब तक आराम नहीं करना जब तक मंजिल ना मिल जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपके गुरु की स्टूडियो की एक छोटी सी क्लिप आप सभी के लिए। सो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा स्टूडियो। और प्लीज पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। और कोरोना है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज घर पे रहें, सेफ रहें। जय हिंद।